चलो आज सिर्फ डाउट सेशन है रेक्टिलिनियर मोशंस का सीट का। उससे पहले पार्थ पाटिल का डाउट आया कि सर वी एस पॉइंट वर्सेस एक्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो मैं कहूंगा कि वी एस पॉइंट वर्सेस एक्स ग्राफ अगर दिया हुआ है और पूछा जाए कि स्लोप क्या बताता है, तुम्हें जानना है तो स्लोप क्या हो जाएगा, d ऑफ v स्क्वायर, y की जगह पे v स्क्वायर, x की जगह पे x ही है। अब इसको चेन रूल से तुम क्या लिख सकते हो, d ऑफ v स्क्वायर को पहले v के रेस्पेक्ट में, फिर v को x के रेस्पेक्ट में, दिस इज इक्वल टू, ये चेन रूल से तुम्हें आता है 2 v dv by dx। सो स्लोप क्या आ गया, स्लोप बताएगा 2 इंटू एंड दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली मैं कह सकता हूं कि वी एस पार वर्सेस एक्स ग्राफ अगर दिया है और एक्सेलरेशन मुझे जानना है तो स्लोप डिवाइडेड बाय 2, स्लोप डिवाइडेड बाय 2। अगर सपोज ये ग्राफ है और फॉर द टाइम बीइंग ये 60 डिग्री दिया हुआ है, मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन कितना होगा तो कहोगे √3/2, तो tan 60 डिग्री इज √3 डिवाइड बाय 2, सो √3/2 है ना। चलो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पार्थ पाटिल क्लियर कि अगर v वर्सेस s ग्राफ ड्रॉ करना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहला चीज तो ये समझ सकते हो कि जैसे जैसे s बढ़ रहा है v बढ़ रहा है, इतना तो दिख रहा है। यस सर, है ना। तो ग्राफ तो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होने का तीन तरीका, ऐसे हो सकता है 1, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है 2, 3। तो v वर्सेस s ग्राफ कौन सा होगा, समझना है इसको। v वर्सेस x ग्राफ में अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन v इंटू dv बाय ds होता है, कॉन्सेप्ट क्या दिया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मैं फिजिक्स से समझा रहा हूं कि ग्राफ ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं 1 से। अगर 1 ग्राफ है तो dv by ds तो कांस्टेंट है बट v इंक्रीज कर रहा है, इसके साथ v इंक्रीज कर रहा है, तो ये बताएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट बट ये इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, सो 1 ग्राफ गया। अब आते हैं 2 ग्राफ में। टू ग्राफ में तो स्लोप भी बढ़ रहा है, डीवी बाई डी एस भी बढ़ रहा है और वी भी बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो 2 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पूछा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसमें आते हैं, यहां पे देखना स्लोप घट रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट रह सकता है, तो ओनली ऑप्शन इज 3। तो ग्राफ ऐसा होगा, इज इट क्लियर। से बताया मैथमेटिक्स से, तुम अगर कहीं पे सॉल्यूशंस देखोगे मैथमेटिक्स से दिया रहता है, चूंकि वो पैराबोला का है, चूंकि बाद में तो बच्चे जानते हैं कि पैराबोला का कैसा इक्वेशन होता है, अभी तुम लोग नहीं जानते हो। और ऐसे भी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं फिजिक्स से ज्यादा कोशिश करूंगा बताने का, ठीक है। हालांकि मैंने मैथ में भी पढ़ा दिया है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो पहले स्लोप निकालना है, स्लोप पॉजिटिव, फिर क्या करते थे, कॉन्केविटी देखना था तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते थे, उससे भी तुम देखोगे कॉन्केविटी डाउनवर्ड आ जाएगा। जैसे यहां से देखो v इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा,
root sm, some constant into root s, dv by ds करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इंक्रीजिंग कॉन्केविटी डाउनवर्ड आ जाएगा. यू कैन चेक हियर, थर्ड मेथड में बता रहा हूं, एन इंटू एन माइनस वन, वन बाय टू रूट एस, डीवी बाई डी एस पॉजिटिव है, डबल डिफ्रेंसिएशन करो, डी टू वी बाई डी एस स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो, निगेटिव आ जाएगा. तो ये भी हमने बताया है, तो तीन तरीके से बता दिया बच्चों. E3 के बाद E5 आते हैं. A versus T ग्राफ दिया, ऐसा है ग्राफ, और यहां पे 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे भी 5 सेकेंड है. कला स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो. कार का स्पीड 3 सेकंड पे पूछा है, तो 3 सेकंड पे पूछा है तो क्या करोगे, ये एरिया जो होगा वो बताएगा चेंज इन वेलोसिटी. V at t equal to 3 second minus V at t equal to 0. That is this area. T equal to 0 पे तो velocity 0 है. अब ये area निकालने के लिए this is 5, so what is this? तो easily निकाल लोगे ये कितना होगा, मान लो ये a dash है. Similar triangle से a dash by this is how much, 2, that is equal to, sorry, a dash by this is equal to a by this, a 5 है तो a dash कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा. So area is equal to आ जाएगा half into parallel side का summation 5 plus 2 into this. तो 10.5 ये आ जाएगा, वेलोसिटी विल बी 10.5. अच्छा, तुम्हारा जो बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं वो चले जाए उधर कर ले क्लास. तो केमिस्ट्री वाले बच्चे चले गए होंगे, मैंने अभी बोल दिया सबको जाने, रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सारे डाउट अभी ले रहा हूं. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1. बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कैलकुलस बेस्ड है, हमने बहुत प्रैक्टिस इस पे नहीं किया है, बट कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, इसलिए मैं समझाऊंगा तो समझ में तो आना ही चाहिए, खुद से नहीं हुआ इट्स ओके. सो पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दैट इज इक्वल टू टी. इन जनरल हम जो सवाल लेते थे वो ऐसे देते थे, एक्स इक्वल टू समथिंग, टी स्क्वायर प्लस 2t समथिंग. मैं पूछता था वेलोसिटी निकालो, मैं पूछता था एक्सलेशन निकालो, dx by dt निकालना था वेलोसिटी, d2x by dt स्क्वायर एक्सलेशन कर लेते थे.
आसान था, डिफरेंशिएट कर दिया, बट इसमें थोड़ा उल्टा दिया, एक्स स्क्वायर और टी में कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिया, ऐसे टी इक्वल टू ये दे दिया, डजंट मैटर, मुझे निकालना क्या है, dx by dt, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, इतना तो कर ही सकते हो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहां से देखना, d ऑफ ये हो जाएगा वन। अब देखना है यहां चेन रूल लगाना पड़ेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स का टी के रेस्पेक्ट में, तो ये मैं डायरेक्टली लिखता हूं, यहां से देखो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा वन बाई टू एक्स प्लस वन, वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, लेकिन वेलोसिटी तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन हो गया, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो गया है वन बाय टू एक्स प्लस वन डी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, x प्लस वन है, ये तो बड़ा आसान है, इसका डायरेक्टली लिख लेता हूं वन बाई टू, क्या लिखेंगे पहले d ऑफ x प्लस वन का, पहले d ऑफ x प्लस वन के रेस्पेक्ट में, सॉरी x प्लस वन का माइनस वन है पावर, इनटू चेन रूल से t के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा वन बाई टू एन इंटू एन माइनस वन, देखना बच्चों ये आ जाएगा, और ये कितना है dx by dt जो कि v है, सो यू कैन सी हियर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, ये v का वैल्यू फिर से यहां से पुट कर देंगे तो ये 2 और ये v तो हो जाएगा 4 x प्लस वन का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये क्यू, क्या ये समझ में आया क्या, dx by dt का वैल्यू ये पुट कर दिया तो ये स्क्वायर है और यहां पे ये पुट कर दिया है तो क्यूब हो जाएगा, ये टू और ये टू फोर हो जाएगा, ये साइन माइनस है इसका मतलब ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन निगेटिव है, दैट मीन्स रिटार्डेशन है, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, एंड व्हाट अबाउट डी, देखो कि ये आ गया वैल्यू, ये टी में ऐसा नहीं आएगा, एक्स को रिप्लेस भी करोगे तो डी ऑप्शन रॉन्ग आ जाएगा, सो ये वन हो गया, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्स, सिक्स तो बहुत ही आसान सा है, कढ़ाई टैप वाटर से
वाटर ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है एट रेगुलर इंटरवल, करा 5 मीटर ऊपर है ये, दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर, क्लास में हुआ है सर, करा थर्ड ड्रॉप जो है वो हिट किया, सॉरी थर्ड ड्रॉप जब ये लीव करने वाला है तो फर्स्ट ड्रॉप हिट किया है, तो ये सेकंड ड्रॉप कहां पे होगा? बहुत ही सिंपल सा है, अगर मान लो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टी नॉट है तो ये फर्स्ट ड्रॉप चला है 2T0 टाइम जबकि ये चला है T0 टाइम, तो हम कह सकते हैं हाफ जी इंटू ये चला है 2T0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस एक्स या वाई में लिखू तो y इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ g इंटू T0 स्क्वायर, ये T0 टाइम चला है, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं दिस विल बी 5/4 मीटर, इज इट करेक्ट? बच्चों एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छा सा सवाल है, जनरली हम लोग कह देते हैं कि अगर यू स्पीड से थ्रो किया तो यहां पे पहुंचने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट होता था यू बाई जी, बिकॉज एयर ड्रैग ये सब नहीं लेते थे, बट यहां पे कह रहा है कि एयर ड्रैग के कारण एक कांस्टेंट रिटार्डेशन ये प्रोड्यूस करेगा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कह दिया 2 m/s² है, दैट मींस जब ये ऊपर जा रहा है बच्चों तो इस पे जी लग रहा है, नीचे जी नीचे लग रहा है, अब प्लस एक और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 m/s² है बिकॉज ऑफ द एयर ड्रैग, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, g+2, तो अगर मैं पूछूं कि ये कितना हाइट ऊपर गया है या टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, व्हाट विल बी टाइम ऑफ एसेंट, यू विल इजिली से दैट यू अपॉन g के जगह पे g+a हो जाएगा, मतलब g/10+2=12, अगर मैं पूछूं कि ये आने सॉरी ये हाइट कितना है h, तो h कहोगे u²/2g हो जाता, तो 2g के जगह पे हो जाएगा g+a, am I right? अब क्या हुआ ये यहां पहुंच गया, अब नीचे आ रहा है, किसको कहोगे सर आपने एच क्यों निकाला, बिकॉज यहां से नीचे आना है, एच हाइट गिरना है इसको, एच चाहिए था मुझे, तो अगर बच्चों एच हाइट से हम ड्रॉप करते थे तो टाइम होता था √2h/g, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता था तो एच हाइट गिरने का, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इधर था जी, लेकिन अब क्या होगा, अब होगा यहां पे जी नीचे है बट एयर का रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, ए ऊपर प्रोड्यूस करेगा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा g-a, नेट एक्सेलरेशन विल बी g-a, सो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा बच्चों √2h ये वाला h अपॉन g के जगह पे g-a,
पूछोगे सर एच कहां से पुट करना होगा, ये हमें पुट करना होगा. सो यू स्क्वायर टू एच इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दिया एच का यहां से जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए. सो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू आ जाएगा u अपॉन रूट ऑफ g प्लस ए इंटू जी माइनस ए. रेशियो देख लो, टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट, दिस बाय दिस g माइनस ए अपॉन g प्लस ए आ जाएगा. चेक कर लो. So this is your answer. That means in this case ratio is g minus a is 10 minus 2 8 upon g plus a is 12. That is equal to root of 2 by 3. क्या ये समझ में आया पूरा सवाल? ये दिस इज इंपॉर्टेंट सम. तो इसको दो स्टार क्या तीन स्टार लगा दो अभी के लिए, बाद के लिए तो एक स्टार रहेगा, अभी के लिए तो तुम दो तीन स्टार लगा दो. ऐसे सवाल में बाद में भी कराऊंगा, फ्रिक्शन करके चैप्टर वहां भी ऐसा सवाल कराते हैं काइनेमेटिक्स से. टीए तो बहुत पहले बताया शुभम, दिस इज टीए. टीए तो सबसे पहले बताया, सबसे आसान है. लास्ट वाला सर, कुछ डाउट आ रहा है तो बोल के पूछ लो. टीडी के नीचे है क्या? जो टीडी के नीचे लिखा हुआ है सर, ये टीडी है. एक बार और बता देता हूं, इसको बच्चों यू स्पीड से थ्रो किया है. तो अगर सिर्फ जी होता, सिर्फ जी होता तो टाइम होता यू बाई जी. लेकिन अभी बॉल पे एक इधर एयर ड्रैग भी लग रहा है जो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, एयर ड्रैग नीचे है. एयर ड्रैग हमेशा अपोज करेगा. तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा? इफेक्टिव एक्सेलरेशन अभी कितना है? नेगेटिव एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड में है. u बाय g माइनस a. Is it clear to all? ये सबसे पहले, ये सबसे आसान है. फिर निकाला ये हाइट कितना है, बिकॉज जब वापस आएगा तो इतना ही डिस्टेंस आना है. सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g. And for the descent, g प्लस ए और डिसेंट g प्लस ए. एच हाइट गिरना है, बट ये जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन g नीचे है, बट ये एक्सेलरेशन ऊपर है एयर ड्रैग का. T होता है रूट अंडर 2h बाई जी, इनिशियल से फॉल करता है तो. बट यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा? रूट 2h बाई, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पे g प्लस a था,
जी नीचे है नीचे, यहां पे क्या हो जाएगा, जी नीचे एक्सेलरेशन ऊपर, जी माइनस ए, यहां पे जी नीचे ए नीचे, तो जी प्लस ए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट सवाल है नाइन्थ, एक लिफ्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कला 4 सेकंड बाद, यहां से 4 सेकंड बाद, दैट मींस ये अभी कितना डिस्टेंस है, 40 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 60 के ऊपर से एक स्पीड से थ्रो किया 30 मीटर पर सेकंड से, तो बॉल ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाके कहीं हिट करेगा, लिफ्ट यहां पहुंच गया है, तो बॉल हिट्स एट दिस पॉइंट, लेट्स बॉल के थ्रो करने के टी टाइम बाद हिट किया है, पूछा ये साफ से डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स निकालना है। So if you draw the diagram, अगर तुमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो कहोगे ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10t, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 10t+4, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू डाउनवर्ड को एक पॉजिटिव ले लेता हूं, अब स्टोन के लिए लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो -30 कितना देर चला है टी, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख लोगे ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, टी का वैल्यू आ गया, टी का वैल्यू आ गया तो एक्स कितना है, वो एक्स इतना है, सो फाइंड टी एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर, वो निकल जाएगा, नाइन्थ सम हो जाएगा बच्चों। तो ये एक्सरसाइज वन पार्ट वन D5 देखने में बड़ा है, सिर्फ है कुछ सवाल नहीं, ये प्लेन रेस्ट से स्टार्ट किया ट्राई प्लेन, उसी स्टैंड पे ग्राउंड से जो 20 मीटर ऊपर है इस लाइन के मोशन से, लाइन का मोशन इससे ऊपर है 20 मीटर, यहां से बॉल थ्रो किया, जिस समय ट्राई प्लेन यहां पहुंचा बॉल भी यहां पहुंचा रेस्ट में, यहां पे आके रेस्ट हो गया, रेस्ट में आ गया, सो बॉल का मैक्सिमम हाइट ये होगा 20 मीटर, इस फॉर्मूला से यू आ गया, तो यहां से पहुंचने का टाइम आ गया यू बाई जी 2 सेकेंड, ये डिस्टेंस लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, अब कह रहा कि जैसे ही प्लेन यहां पहुंचा इसके बाद इसका एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टॉय कार का, टॉय प्लेन का, अब उसके बाद क्या पूछा है, थर्ड ऑप्शन देखो, डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द प्लेन व्हेन द मैन कैचेस द बॉल, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अब ये 2 सेकंड बाद फिर से इसके पास आएगा, तो ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला होगा, हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर, तो डिस्टेंस ये पूछ रहा है आर, तो ये डिस्टेंस हो गया हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 मीटर,
दिस इज 20, दिस इज 8. सो आर इज इक्वल टू बहुत ही सिंपल सा 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट. सर यूटी भी दिस इज इक्वल टू यूटी प्लस. फिर से बोलो सर. S is equal to ut plus half a t square. U 4n. अच्छा हाँ sorry हाँ यहाँ पे तो velocity है ना. हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया. यहाँ पे तो total S is equal to velocity ने start करा ना. कितना हो जाएगा यहाँ पे velocity कितना हो जाएगा. S is equal to 6. 4 into 4 सही कहा. सॉरी 4 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर 16 मीटर. तो क्या होगा 16. तो ये 20 सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का रूट. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मिस हो गया है ना बच्चों. ये सॉल्व हो गया हो जाएगा. E4 टाइगर रन किया 1/3 टाइम तक ए एक्सेशन से फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से बचा हुआ टाइम और ये 100 मीटर चला है टोटल. कांस्टेंट एक्सेशन से मूव किया उस समय इतना डिस्टेंस मूव किया. यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी वी जो हो जाएगा 80 हो जाएगा. ये वेलोसिटी कांस्टेंट है इतने टाइम तक मूव किया तो डिस्टेंस ये दिस प्लस दिस इज 100 सॉल्व हो जाएगा. प्रणव क्लियर. यस सर. एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 ये भी डिस्कस कर लेते हैं. ये लास्ट सवाल है उसके बाद एक वी वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ पूछा जो कॉमन डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे. एक सवाल ले रहा हूं. बच्चों कहा कि यहां से स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. सारे बच्चे पढ़े. मैंने टाइम इतना दिया तुमको पढ़ने के लिए. इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. फिर एक समय पे इसका वेलोसिटी कहीं तो जाकर के हो गया 50 मीटर पर सेकेंड. जब 50 हुआ तो इस समय अब एक्सेलरेशन जो है वो इधर नहीं होकर के अब उसके बाद इधर के मोशंस के लिए एक्सेलरेशन इधर हो गया. तो ये वापस इधर से इधर आएगा. यहां पे किस वेलोसिटी से पहुंचेगा ये निकालना क्योंकि वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर तो कहीं रुकेगा फिर वापस आएगा. तो हम इसको दो पार्ट में मोशंस को ब्रेक कर लेते हैं. ये पार्ट वन और ये पार्ट टू. चूंकि एक्सेलरेशन चेंज हुआ है तो अगर यहां का वेलोसिटी मैं वी कहूं V1 मैं लिखूंगा V1 स्क्वायर माइनस U स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 A इंटू सपोज ये डिस्टेंस है S1. ये इक्वेशन 1 हो गया. सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन मैं अभी भी कौन से डायरेक्शन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर लेता हूं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव.
तो इस समय इनिशियल वेलोसिटी v1 यहां पे जब पहुंचा तो क्या v2, तो v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इधर एक्सेलरेशन माइनस a इधर डिस्प्लेसमेंट माइनस s1 अब यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as1 यही वाला वैल्यू पुट कर दोगे v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर सो v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2v1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर Put the value, you will get the relation. So, बच्चों v versus t square का graph रहेगा तो ये थोड़ा complicated होगा. किसमें से अगर मुझे slope निकालना है? स्लोप को इंफॉर्मेशन देगा तो जाएगा स्लोप डी ऑफ वी बाय डी ऑफ टी स्क्वायर डी ऑफ टी स्क्वायर है तो डी इसको ऐसे लिख सकते हैं डीवी बाय डी टी इंटू डी ऑफ टी अपॉन डी ऑफ टी स्क्वायर ठीक है सो ये हो गया स्लोप इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी ये तो हो गया एक्सेलरेशन व्हाट इज दिस अब ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं देखना डी ऑफ टी स्क्वायर टी स्क्वायर इसको भी टी स्क्वायर के टर्म में लिखो तो टी स्क्वायर का पावर हाफ तो देखना अभी टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका पावर हाफ है तो क्या बचाएगा ये डीवी बाय डी टी एज इट इज और ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन हाफ इंटू टी स्क्वायर का पावर n माइनस वन माइनस हाफ सी हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू इस केस में स्लोप इज इक्वल टू लिखेंगे एक्सेलरेशन बाय ये बच्चों हो जाएगा टी रूट टी टू रूट टी बुकलेट के पार्ट थ्री में ऐसा ही ग्राफ दिया हुआ है सो पार्ट थ्री में v वर्सेस t स्क्वायर का ग्राफ ये दिया हुआ है तो बताओ कि यहां पे स्लोप कांस्टेंट है स्लोप इज इक्वल टू होता है a बाय टू रूट टी तो a इज इक्वल टू क्या हो गया स्लोप इंटू टू रूट टी तो स्लोप कांस्टेंट है बट टाइम तो स्पेंड हो ही रहा है सो एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहेंगे यहां पे व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन कांस्टेंट या इंक्रीज कर रहा है पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो अगर तुम देखो पार्ट थ्री मैच द कॉलम ऑप्शंस में ग्राफ डी के लिए पी इज रॉन्ग एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म दैट इज नॉट करेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म क्यू इज करेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नहीं रूट टी के प्रोपोर्शनल है
एक्सेस ऑफ द पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. सो एस वाला तो बड़ा मुश्किल है निकालना. क्यों मुश्किल है? बिकॉज हमें ये टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा कि एक्स के साथ कैसे चेंज कर रहा है. सो फॉर दैट कहोगे सर अगर ये सिर्फ ये ग्राफ है तो क्या हमें ये इतना करने की जरूरत है क्या? यहाँ कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स तो नहीं किए? अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसको तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं v इक्वल टू के टी स्क्वायर. यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हमने किया है क्या कैलकुलेशंस में? देखो तो हाँ यार, यहाँ पे रूट टी है, रूट टी नहीं आएगा, टी स्क्वायर का पावर हाफ है ना. टी स्क्वायर का तो ये सिंपली टी रहेगा, यहाँ रूट टी नहीं, ये आ जाएगा. लेकिन जब ये ग्राफ दिया हुआ तब तो हम बहुत आराम से निकाल लेंगे. अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ स्ट्रेट लाइन है तो हम इतना करने की जरूरत नहीं है. इस केस में तो मैं v इक्वल टू इंटरसेप्ट जीरो सम कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर कर लेंगे. तो यहां से तो एक्सप्रेशन डायरेक्टली भी लिख लेंगे, dv बाय dt इक्वल टू देखो k इनटू 2t. आया समझ में ये सर? मैंने पहले क्या किया, मैंने ये ग्राफ ऐसे नहीं था, मैं सिंपली कहा v वर्सेस t स्क्वायर में, v वर्सेस t स्क्वायर में स्लोप क्या बताएगा. तो मैंने स्लोप का dv by d of t स्क्वायर कुछ निकाला. लेकिन अब जो सवाल आया था ना, सवाल में v वर्सेस t का जो ग्राफ दिया हुआ ऐसे दिया हुआ स्ट्रेट लाइन, तो इसको ग्राफ को हम देख करके ये बोल सकते हैं कि देखो ये y इक्वल टू mx का ग्राफ है. y के जगह पे v, m के जगह पे जो भी स्लोप है m ही रहने देते हैं, s के x के जगह पे t स्क्वायर है. तो ये जब ग्राफ ऐसे दिया तो बताना बड़ा आसान है कि अगर मैं अब एक्सप्रेशन पूछूं तो क्या हो जाएगा, dv by dt m into t square का डिफरेंशिएशन. दिस इज द एक्सप्रेशन. सो आज का क्लास यही फिनिश करते हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, मुझे निकलना भी है. बाकी ट्राई करो, इतने सारे हमने डाउट्स लिए हैं तो जितने डाउट्स लिए उसको एक बार और सॉल्व करो, मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बाकी सम्स हो जाएंगे. ट्राई वंस अगेन.